हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण का अर्थ है विशेषता। विशेषता बच्चों किसी की भी हो सकती है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है या फिर कोई स्थान है। और अगर अब हम परिभाषा को देखें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखो बच्चों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम लोग विशेषण को समझेंगे। सबसे पहले है रंग। तो रंग में क्या आ गया? गोरा, नीला, सांवला, काला, हरा, पीला, ये सब कुछ क्या है कि रंग। जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रंग की विशेषता को बताते हैं। जैसे राधा गोरी लड़की है, तो लड़की कैसी है? गोरी। तो ये लड़की की क्या हो गई? विशेषता हो गई। ऐसे आकार के आधार पर छोटा, मोटा, पतला, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सब कुछ क्या है कि आकार के आधार पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता को बताते हैं। जैसे छोटा आदमी, मोटा आदमी, पतला व्यक्ति, बड़ा पेड़, ऊंचा पहाड़, तो ये सब कुछ क्या है कि इन सब की विशेषता है। ऐसे ही गुण के आधार पर वीर, ईमानदार, अच्छा, समझदार, साहसी, ये सब कुछ क्या है कि गुण के आधार पर किसी की भी विशेषता बताते हैं कि वीर आदमी, ईमानदार बालक, अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, साहसी आदमी, ये सब कुछ क्या है कि इन सब की विशेषता के बारे में बताते हैं। ऐसे ही अवगुण के आधार पर बुरा, कायर, कुरूप, लालची, ये किसी की भी अवगुण के बारे में बताते हैं कि वह व्यक्ति बुरा है। तो व्यक्ति कैसा है? बुरा है। स्वाद के आधार पर मीठा, कड़वा, फीका, नमकीन, तीखा, ये सब कुछ क्या है कि स्वाद के आधार पर किसी की भी विशेषता को बताते हैं। मीठा फल, फल कैसा है? मीठा है। कड़वा करेला, करेला कैसा है? कड़वा है। तो करेले की विशेषता क्या होगी कि वो कड़वा है। ऐसे ही संख्या के आधार पर पहला, दूसरा, दो, तीन, लाखों, एक, संख्या के आधार पर ये किसी की भी विशेषता के बारे में बताते हैं। माप के आधार पर एक मीटर, चार मीटर, किसी की भी विशेषता को बताते हैं। एक मीटर कपड़ा, चार मीटर कपड़ा, ये सब कुछ क्या है कि इसकी विशेषता को बताते हैं। तोल के आधार पर एक किलो, दो लीटर, ये क्या है कि तोल के आधार पर एक किलो चीनी चाहिए, चीनी कितनी चाहिए? एक किलो, तो इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। अवस्था के आधार पर बूढ़ा, गरीब, जवान, अमीर, किसी की भी अवस्था के बारे में बताते हैं। वह बूढ़ा आदमी है। आदमी कैसा है? बूढ़ा है, अमीर है, तो उसकी ये क्या है कि अवस्था की विशेषता के बारे में बताते हैं।